शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 16, शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 16। और यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है, तू कब तक उसके लिए विलाप करता रहेगा? अपने सिंग में तेल भर के चल, मैं तुझको बैतलहेमी ईशय के पास भेजता हूं, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। शमूएल बोला, मैं क्यों कर जा सकता हूं? यदि शाऊल सुन लेगा तो मुझे घात करेगा। यहोवा ने कहा, एक बछिया साथ ले जाकर कहना कि मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूं, और यज्ञ पर ईशय को न्योता देना, तब मैं तुझे जता दूंगा कि तुझको क्या करना है, और जिसको मैं तुझे बताऊंगा उसी का मेरी ओर से अभिषेक करना। तब शमूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया और बैतलहम को गया। उस नगर के पुरनिये थरथराते हुए उससे मिलने को गए और कहने लगे, क्या तू मित्र भाव से आया है कि नहीं? उसने कहा, हाँ, मित्र भाव से आया हूं, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूं, तुम अपने अपने को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ। तब उसने ईशय और उसके पुत्रों को पवित्र करके यज्ञ में आने का न्योता दिया। जब वे आए तब उसने एलीआब पर दृष्टि करके सोचा कि निश्चय जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके दिल की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तब ईशय ने अबीनादाब को बुलाकर शमूएल के सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। फिर ईशय ने शम्मा को सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना, क्योंकि ईशय ने अपने सात पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा था। और शमूएल ईशय से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। तब शमूएल ने ईशय से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, लहूरा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने ईशय से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहां न आए तब तक हम खाने को न बैठेंगे। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर, उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया और यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। और शाऊल के कर्मचारियों ने उससे कहा, सुन, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है, हमारा प्रभु अपने कर्मचारियों को जो उपस्थित है आज्ञा दे कि वे किसी अच्छे वीणा बजाने वालों को ढूंढ के ले आए, और जब जब परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा तुझ पर चढ़े तब तब वह अपने हाथ से बजाए और तू अच्छा हो जाए। शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, अच्छा, एक उत्तम बजवैया देखो और उसे मेरे पास लाओ। तब एक जवान ने उत्तर देके कहा, सुन, मैंने बैतलहेमी ईशय के एक पुत्र को देखा जो वीणा बजाना जानता है और वह वीर योद्धा भी है और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है, और यहोवा उसके साथ है। तब शाऊल ने दूतों के हाथ ईशय के पास कहला भेजा कि अपने पुत्र दाऊद को, जो भेड़ बकरियों के साथ रहता है, मेरे पास भेज दे। तब ईशय ने रोटी से लदा हुआ एक गधा और कुप्पा भर दाखमधु और बकरी का एक बच्चा लेकर अपने पुत्र दाऊद के हाथ से शाऊल के पास भेज दिया, और दाऊद
शाऊल के पास जाकर उसके सामने उपस्थित रहने लगा और शाऊल उससे बहुत प्रीति करने लगा और वह उसका हथियार ढोने वाला हो गया। तब शाऊल ने ईशे के पास कहला भेजा कि दाऊद को मेरे सामने उपस्थित रहने दे, क्योंकि मैं उससे बहुत प्रसन्न हूं। और जब जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा शाऊल पर चढ़ता था, तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था और वह दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था।